दोस्तों आज अपने किचन में चलना है मात्र 10 मिनट में पनीर का मोमोज बनाने के लिए। दोस्तों बना के घर पे तैयार करेंगे, जैसे होटल में देखते हैं मिलता है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं घर पे। वैसे दोस्तों घर पे जैसे देखते हैं पावर मैदे से आप बनाएंगे तो पूरे परिवार के लिए आपको हो जाएगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे देखते हैं कि मैदा जो हमारा रहता है, मैदा दो क्वालिटी का आता है। जैसे देखते हैं मैदा हमारा पूरा सफ़ेद रहता है, मोमोज बन के तैयार होता है। एक मैदा जो मिलावटी रहता है वो थोड़ा सा हल्का सा देखिए मटमैट कलर हो गया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मेरे किचन में चल रहा है बनने के लिए पनीर मोमोज। दोस्तों बच्चे दोस्तों बहुत ज़्यादा दिन से परेशान कर रहे हैं, हमारा वीडियो जैसे देख रहे हैं दोस्तों पढ़ नहीं पा रहा है। जैसे देख रहे हैं कि 15-20 दिन में कभी काल को ये वीडियो पड़ जा रहा है, जो खाने में बना रहे हैं वही पड़ जा रहा है। तो आज बच्चे बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं पनीर मोमोज बनाने के लिए, तबियत जैसे खराब हुआ है तब से कोई वीडियो पढ़ नहीं पा रहा हमारा। अरे आप लोग बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, एक छोटे से गांव के रहने वाले जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा चैनल आप लोग को आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोग को एक लाइक करने में दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोग को अच्छा हमारा वीडियो लगता है तो शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पे चले बनाने के लिए, यहाँ पे पनीर को हमने छस के इस तरह से ले लिए हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर पावर पनीर ले लिए हैं, आधा किलो प्याज को हमको बिल्कुल बारी हुई काट लिए हैं, यहाँ पर 1-3 जवा लहसुन को हमने बिल्कुल बारी हुई काट लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हरी मिर्ची 2 पीस ले लिए हैं, 1 पीस शिमला मिर्ची। आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो यहाँ पे पत्ते गोभी भी चस के ले सकते हैं, एक पत्ते को जैसे गोभी जैसे देखते हैं लेकर पतले पतले चस सकते हैं आप, काट सकते हैं उसको बारी हुए। उसके बाद यहाँ पे चटनी बनाने के लिए लिए हैं हम 3 टमाटर ले लिए हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिए अदरक के टुकड़े, लहसुन लिए हैं, मिर्ची लिए हैं। आप लहसुन नहीं खाते होंगे तो लहसुन को यहाँ पर हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को जलाएँगे, गैस को जला के इस पर रखेंगे कढ़ाई को, कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे। अब इधर देख सकते हैं हमने लिए हैं आटे मैदे, आप आटे में बना सकते हैं कि मोमोज जो है मैदे में ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैदा ले लिया हमने, अब मैदे में डालेंगे, इसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल 2 चम्मच। रिफाइंड तेल डालने के बाद से रिफाइंड तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे, तेल गर्म हो चुका है तो डाल देंगे लहसुन मिर्चा, सब साथ में हम डालेंगे। कुछ लोग देखते हैं लहसुन नहीं खाते हैं तो मिर्चा है और अदरक को आप डाल सकते हैं तड़के में। इसको हमको बस एक नरम सा बनाना है, एक इसको नहीं तो भूनना है ज़्यादा देर तक। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर को, डालेंगे हम काला नमक, यहाँ पे आपके पास हो तो कश्मीरी पाउडर भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, हमारे पास कश्मीरी पाउडर नहीं है। यहीं पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, नींबू डालेंगे तो काला हो जाएगा थोड़ा सा, ये नींबू नहीं डालना है यहाँ पे आपको, अमचूर पाउडर हो यहाँ पे डाल सकते हैं आप, नहीं तो बनेगा तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। अब डालकर इसको हम पकाएंगे, टमाटर हमारा गल जाए। अब इधर हमने ले लिए हैं मैदे को, तो मैदे में हमने डालेंगे चुटकी भर नमक, और उसके बाद डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच तेल, अच्छे से इसको मिला लेंगे। इसमें कोई मोयंग नहीं देना है, बस चम्मच से तेल इसलिए डाला जाता है जाकि हम मोमोज बनाते हैं तो मोमोज हमारे तले में सटे मत कोई बर्तन में जब बनाते हैं तो। अब इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ी थोड़ी, ये रोटी के जैसे डो इसका तैयार करेंगे, कोई इसका टाइट डो नहीं बनाना है आपको, रोटी जैसे इसका डो बना के तैयार करना है। यहाँ पे पाव भर हमने आटे मैदे लिए हैं, आप जैसे कम बेसी बनाते हैं जैसे देखते हैं, 1 केजी आपका है जैसे देखते हैं पनीर है, आप उसमें जैसे देखते हैं कि 2 केजी प्याज डाल सकते हैं बारी हुई काट के। हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं पाव भर पनीर लिए हैं तो 1/2 केजी हम यहाँ पे उठवा ले लिए हैं, प्याज को बारी हुई काट लिए हैं। अब आटे का डो हमने तैयार कर लिए हैं, इस पर हल्का सा तेल लगा दिए हैं, इसको ढक दे रहे हैं।
इधर टमाटर देख रहे हैं कि टमाटर अच्छे से गल गया है। टमाटर चटनी कितनी है तैयार, उसको निकाल रहे हैं। अब इसे हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे पहले। अब वही करिए धोकर रख लिया, अच्छे से करिए धोया नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। इन सभी चीज़ को जैसे देख रहे हैं कि पनीर है, जैसे देख रहे हैं मिर्ची है, यहाँ पे लहसुन लिए 3-4 जो लहसुन प्याज नहीं खाते तो मत डालिएगा, 2 बार बता चुके हैं आपको। और ये सारी चीज़ को जैसे देखिए कच्चे में मिला सकते हैं आप, बाकी भूनने पे थोड़ा सा इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए हम हल्का सा भून दे रहे हैं। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं मिर्चा और लहसुन। अब इसी के साथ में डालेंगे प्याज को, हल्का सा इसको नरम करना है हमको। इस तरह फैला दे रहे हैं इसको भूनने के लिए। अभी शिमला मिर्चा को थोड़ी सी रुक कर डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे इसको। पहले प्याज को हल्का सा नरम हो जाने देंगे, उसके बाद शिमला मिर्चा इसके साथ में डाल देंगे। डालेंगे शिमला मिर्चा को। शिमला मिर्चा तीखा नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए इसको डालकर शिमला मिर्चा जैसे देखते हैं येलो कलर का होता है, रेड कलर का होता है, हरा कलर का होता है। यहाँ पर देखिए इसको हम डाल दिया है, डालकर अच्छे से मिला लिया है। अब मिलाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह से इसको भी भूनेंगे थोड़ा सा फैला के, जाके थोड़ा सा शिमला मिर्चा भी नरम हो जाए। देखिए हल्का सा प्याज और जैसे देखते हैं शिमला मिर्ची है भुना गया है, तो अब इसमें हम पनीर को डाल दे रहे हैं। पनीर को डालकर अच्छे से मिलाएंगे। अब गैस को इसमें मीडियम बिल्कुल कर देना है। अब यहीं पे डालेंगे हम मिर्च, देख रहे हैं काली मिर्च जो है इसको हम पीस लिए हैं। अब यहीं पे देखो ये जैसे जीरा था, तो जीरा हल्दी डाल के हम पीस लेते हैं, जाके अच्छे से कलर आ जाता है जीरा से, तो हल्का सा हल्दी डाल के इसको पीस लिए हैं। अब इसको देखिए अच्छे से मिला ले रहे हैं। मिलाने के बाद से यहाँ पे डालेंगे हम स्वाद के अनुसार से नमक। एक काला वाला नमक है, जैसे ज्यादा काला नहीं लग रहा है देखने में, मगर एक काला वाला नमक है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं, जाके इसका कलर देखने में अच्छा लगे। इसमें मसाला वसाला बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं हम, ज़्यादा मोमोज तीखा रहता है तो नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी चटनी तो ज़्यादा तीखा रहता है, इसलिए मोमोज को ज़्यादा तीखा नहीं बनाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए गैस को बंद करेंगे, ये भुना गया है अच्छे से। अब इसको निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए थाली में, थाली में निकाल जाके जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इसको छोटे छोटे पेड़े जैसे तोड़ लेंगे पहले हम। ये घर के लिए बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा इसका पेड़ा कर रहे हैं। मार्केट में आते हैं लोग देखते हैं बहुत छोटे छोटे कर देते हैं। इसको आप लोग रोटी जैसे बेल के गिलास से भी काट सकते हैं, जैसे देखिए गिलास लिए हैं, इससे भी काट सकते हैं। हम लोग इसको बेलन से बेल रहे हैं, उसमें देखते हैं दुकान वाले भैया लोग जल्दी बेलते नहीं है, इसको हाथ से इसी तरह से चिपटे करके भर लेते हैं। अब इसको देखिए हाथ से हम इस तरह से लगा रहे हैं,
इसको भी ठंडा नहीं हुआ, ठंडा हो जाने के बाद भरिएगा आप। ठंडा नहीं हुआ है तो जितना ठंडा हुआ है उतने में हम दिखा रहे हैं आप लोग को, भर के बगल से लूट उठा के। इसको देखिए इस तरह से आपको पकड़ना है, देखिए इस तरह से हम इसको भर लिए हैं। तो इस तरह से भर के इसके बाद इसको हम रखते जा रहे हैं। तो इस तरह से सारे भर लेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे देखते हैं बस इस तरह से भी देखिए भरा जाता है। हलवाई लोग जो भैया हैं उन लोग को हम देखे हैं जैसे दुकान पे, तो ज़्यादा करके उन लोग को बहुत ज़्यादा बनाना रहता है, तो लोग बेलते नहीं हैं, बस क्या करते हैं वो लोग इस तरह से कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए इसको बीच में रख लेते हैं इस तरह से। अब बीच में रखने के बाद से हम लोग बहुत ज़्यादा भरते हैं और लोग ज़्यादा नहीं भरते, बस इस तरह से देखिए कर लेते हैं। उन लोग को हम खड़े होकर वहाँ पर देखे हैं तो लोग जल्दी बेलन नहीं चलाते, लोग बोलते हैं कि बेलन चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बस वो लोग इसी तरह से बना देते हैं। देखिए तो आपको दो किदा के यहाँ बना के हमने दिखा दिए, जो पसंद होगा उसे आप बना सकते हैं। तो इतना बड़ा बड़ा उन लोग का नहीं मोमोज रहता है, बहुत छोटा छोटा रहता है। चलिए सारे मोमोज को इस तरह से बना ले रहे हैं, फिर आप लोग को एक बार दिखा दे रहे हैं जैसे वो लोग बनाते हैं मोमोज को। देखिए यहाँ पे इस तरह से रखते हैं लोग और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। देखिए हमने इसको रखते जा रहे हैं। तो चलिए सारे मोमोज बना के फिर मिलते हैं। अब यहाँ पे हमने रख दिए हैं पानी गर्म होने के लिए, तो थाली में हल्का सा तेल लगा देंगे जाके चपके मत हमारा जो मोमोज है। थाली गर्म हो चुका है, हम भूल गए लगाने के लिए इस पे। अब इसे क्या करेंगे, पानी हमारा गर्म हो चुका है, इस पे हम मोमोज को बिछा दे रहे हैं, सारे मोमोज को इस तरह रख रहे हैं। अब इसको ढककर हम 3 मिनट पकाएंगे अच्छे से, थोड़ी दूरी दूर पे रखे हैं जाके मोमोज फूलेगा। तो इतना सारा दोस्तों देखिए बन रहा हमारा, इतना बन गया है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक लाइक करके जाइएगा।